जी गुड़गावा, देखिए अगर कहीं के बस के पायलट की तुलना फ्लाइट वाले पायलट से की जाए तो वो जगह हरियाणा हो सकती है। हरियाणा रोडवेज पे मैं सवार हूँ, लेकिन अब रोडवेज पे चलने वाली जो जनता है, जो असल मायने में वोटर्स हैं, ये किसके सपोर्टर हैं? 10 लोकसभा सीटों का ब्यौरा ये रहा पिछली बार जनता ने बीजेपी की गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस बार किसकी सरकार और खासकर हरियाणा रोडवेज पे सवार ये जो जनता है क्या मूड बना रही है, क्या सोच रही है? चलिए इसी पायलट के साथ ये जोरदार सफर करेंगे रोडवेज में बैठकर और लोगों से जान लेंगे कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार बनाने की सोच ली है। गुरुग्राम हो गया है नाम, लेकिन बावजूद इसके बसों का इंतजार। ये बताइए मोदी सरकार कैसी लगती है? अच्छी लगती है। यही चलेगी कि बदल देंगी? यही चलेगी। क्या कह रही हैं आंटी? मोदी चलेगा। कैसे चलेगा? उसके कारनामे अच्छे हैं, उसने काम बहुत अच्छे अच्छे किए। राम मंदिर बनवा दिया, दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि राम बुला दिए। आंटी जब तक बस नहीं आ रही है, बताइए मोदी सरकार या कोई और? मोदी सरकार भाई सब कुछ कर रही है, सब अच्छा हो रहा है जो भी है। हाँ मोदी जी सही है, बिल्कुल अपनी जगह पे। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश हैं, वो ही रहे में। भाई वैसे गुरुग्राम से दिल्ली वाकई दूर नहीं, ये सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार देखो आपने पता है इस बात का, पहले भी बीजेपी सरकार थी, अब भी बीजेपी का ही लग रहा है हमारे को तो। हाँ जी इधर आओ, क्या लग रहा है? बीजेपी का। क्यों? काम करवाता है बढ़िया। काम? काम हो गया है? अच्छे काम करवा रहे हैं। क्या काम करवा रहे हैं? मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ये है वो। कहाँ की गाड़ी? स्पेशल आयोध्या गाड़ी लगा रखी यहाँ से जी। कितने बजे भैया? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे नॉन स्टॉप चुनाव में किसकी बारी है? कांग्रेस ही आओगी। जैसे पिछली बार आई थी? आएगी, बाकी भाई सबका हो भला है भाई। भैया उम्मीद नहीं है क्या? कौन ठीक लग रहा है? उम्मीद तो एक्चुअल स्पष्ट तो कोई नहीं है, एक सामने सारे गुट मिलकर उनमें फूट पड़ी हुई है और एक तरफ अकेला मोदी जी खड़े हुए हैं। पूरी फूट पड़ी और अकेला मोदी जी, कौन भारी? मोदी भारी है बिल्कुल जी। हरियाणा रोडवेज की सवारी क्या कह रही है? सब मोदी के साथ हैं। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में पहली बार मिला है जी। कुछ बुराई नहीं है जी, कुछ बुराई ही नहीं, 100% प्योर। टाइम से पहुंचने की ये जो कमिटमेंट है हरियाणा वाले पायलट की, इन्हीं से समझेंगे। हरियाणा पायलट एकदम तैयार है सर, बड़ी स्पीड में गाड़ी चलती है यहाँ की? नहीं ठीक चलाते हैं, चलाते हैं, भरोसा पूरा रहता है ना? जी जी। अच्छा ये बताइए इस बार भरोसा किस पे जताएगी हरियाणा की जनता? सबकी अपनी अपनी राय है, वैसे तो अपने MP के इलेक्शन में तो बीजेपी का लगता है ज्यादा। इस बार क्या होगा? इस बार भी बीजेपी के नाम ही होंगे। क्यों? पसंद ही बीजेपी है। क्या सही चल रही है गाड़ी? चल रही है सरकार की, बदलना है या चलने देना? यही चलने देना है मैडम। आपके हिसाब से सही चल रही है? सही चल रही है गाड़ी। दस की 10 सीटों पिछली बार तो बीजेपी के नाम थी, इस बार बीजेपी। गाड़ी कैसी चलने वाली है इस बार सरकार की? बीजेपी की चलेगी। आप किसे तिलक लगाएंगे? बीजेपी। क्या देख के वोट करते हैं जी? जो सुविधाएं हो रही हैं हमारे बीच, आप देख रहे होंगे सारे। सुविधा हुई है, बदलाव हुआ है कुछ? हाँ जी। सरकार की गाड़ी कैसी चल रही है? बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जा रही है, सब लोग हैप्पी हैं और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में भी अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया है। ईच एंड एवरी पर्सन बहुत ही हैप्पी है और आने वाली गवर्नमेंट 100% श्योर है बीजेपी की है, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस 100% खत्म हो चुकी है, लोकल पार्टी कोई भी कहीं बची नहीं है, सब जीरो है, ओनली बीजेपी है। कौन भैया? सही चल रही है। किसकी गड्डी बनेगी? देखो आ तो मतलब बीजेपी ही रही है, बट मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन भी थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि एक तरफा होने से वो जाता है कि सिर्फ पावर पावर एक तरफ चली जाती है, बट लाइक अपोजिशन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इनका बलाव जो गोद में सो रहे हैं आपके, इसके लिए कुछ सोच के वोट करती है? बीजेपी। क्या सोचा इस बार? इस बार वही बीजेपी। हरियाणा वालों ने क्या सोच लिया? पिछली बार वाला दोहराना है कि ब्रेक लगाना है? नहीं भाई ब्रेक तो लगना चाहिए हर बार, कुछ नया मिलना चाहिए, नया होना चाहिए। सर कुछ ठीक हुआ है पहले से या नहीं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। अम्मा सही कह रही है? हाँ ठीक कह रही है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं कि कोई और चीज़? सही कर। गड्डी चल जाएगी मोदी जी की या कोई बदल दीजिए? बन जाएगा मोदी जी अब की बार भी। अच्छा, आने वाले ने सोच लिया है? सो
सोच लिया पक्का है। पिछली बार पक्का कर दिया था ऐसे कि 10 की 10 दे दी थी, इस बार क्या लग रहा है? मोदी जी इस बार भी नहीं हिलते हैं, नहीं हिलते, हरियाणा से तो हिलते नहीं है। इस बस में तो भाई जहाँ तक जानकारी मिल रही है मुझे सब ठीक लग रहा है। स्नेहलता यहाँ से हट जा रही है। फिलहाल RRR में स्नेहलता के साथ आज के शो में बस इतना ही। आप बने रहें ABP न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।